क्या आप भी प्रोफेशन राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड मात्र एक मिनट के अंदर आपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएँ। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आप अपना राजू भैया यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड मात्र एक मिनट के अंदर आपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर पाओगे। आपका किसी भी सब्जेक्ट का रहा हो दोस्तों, आपका BA, BSc, BCom, MMSc, MCom या कोई अन्य डिप्लोमा यानी किसी भी विषय का आपका एडमिट कार्ड रहा हो, आप उसका एडमिट कार्ड बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर पाओगे। आपका 2023-24 में कोई सा भी एडमिट कार्ड रहा हो, उसका एडमिट कार्ड मात्र एक मिनट के अंदर आपने मोबाइल फ़ोन से निकाल पाओगे। फाइनली दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट जानकारी होती है सबसे पहले हमारे चैनल BB के नॉलेज पॉइंट में प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आपको इस वीडियो तक संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आप अपना किसी भी कोर्स कर रहा हो, आपका 2024 या 23 का कोई भी रहा हो आपका, उसका एडमिट कार्ड मात्र एक मिनट के अंदर आपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर पाओगे। फाइनली दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल या क्रोम कोई से भी एक ब्राउजर में जाके आपको सर्च कर देना है, ओनली फॉर जितना बता रहा हूँ आपको इतना सर्च करना, बिल्कुल एक भी वर्ड मिस नहीं करना। आपको सर्च कर देना है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी। फाइनली दोस्तों, जितना बता रहा हूँ आपको इतना सर्च करना, बिल्कुल आपको एक भी वर्ड मिस नहीं करना, नहीं आप अपना राजू भैया यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाओगे। जैसे आप जितना हम बताएंगे आपको इतना सर्च कर देना। फाइनली दोस्तों, जैसे आप इतना सर्च करोगे, सर्च करते ही आपके सामने राजू भैया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाए। ये देखो आ गया, अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हो। हमारा देखो फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा है एग्जामिनेशन कॉर्नर का, ये हमारा एग्जामिनेशन कॉर्नर का ऑप्शन दे रखा है। इसी एग्जामिनेशन कॉर्नर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस एग्जामिनेशन कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप देख सकते होंगे फाइनली ये हमारे सामने स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन ओपन होना प्रारंभ हो गया। आप देख सकते होंगे, ये देखो फाइनली दोस्तों हमारे सामने एग्जामिनेशन कॉर्नर का ऑप्शन ओपन होकर आ गया। अब हमें क्या करना, हम इसे ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे। ये तो फाइनली दोस्तों देख सकते होंगे हमारा, ये देखो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी ने हमारे एडमिट कार्ड, देख सकते होंगे ये तो एडमिट कार्ड की नोटिस फर्स्ट नंबर पे दे रखे हैं। यानी जब भी हमारा जो भी एग्ज़ाम होगा आप यहीं देख सकते हैं, जैसे हम बढ़ाएंगे देखो एडमिट कार्ड का ऑप्शन दे देगा, उसके नीचे जिस भी सब्जेक्ट या कोर्स का पेपर होगा वो पेपर यहाँ दे देगा। फाइनली दोस्तों, ये हमारा एडमिट कार्ड बैक एक स्टूडेंट पेपर एग्ज़ाम 2023-24 यानी जो हमारा बैक पेपर का एग्ज़ाम आ रखे हैं उसका एडमिट कार्ड ये दे रखा है। हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहीं से आपके सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। जैसे यूनिवर्सिटी आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा, आप यहीं से आके बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप मैंने इन्फॉर्मेशन बता रखी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना है। आप इसी वाले पे क्लिक कर लेंगे, जैसे इस वाले एडमिट कार्ड ये दिख रहा है ऑप्शन, उसके नीचे ये देखो नोटिस, हमारी न्यू नोटिस शो कर रही है, आप देख सकते होंगे इसी पे बायो पेपर एग्जाम 2023-24 हम इसी पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस वाले पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। देखो आ गया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी, देख सकते होंगे बैक पेपर स्टूडेंट एडमिट कार्ड, आप देख सकते होंगे। यहाँ से हमें स्टेप बाय स्टेप सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, आप देख सकते होंगे यहाँ से कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन, DOB, उसका भी इस कैप्चर को उठा के नीचे वाले बॉक्स में फिल कर दें, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करें फाइनली हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह मात्र एक मिनट के अंदर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी फिल किए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते होंगे हमें क्या करना है। यहाँ से हम अपना स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे, आप देख सकते होंगे इसमें अपनी कैटेगरी चॉइस कर लेंगे। हमारा जैसे ऐसे एग्ज़ाम है, एक से स्टूडेंट हो गया, बैक हो गया, तो इसमें जो भी हमें एग्ज़ाम देना है उसका इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, बैक का तो बैक इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराया था उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, एक साइड में लिख रखा होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें फिल कर देंगे। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहा दोस्तों, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके नीचे आपकी DOB आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें DOB फिल कर देना है, आप देख सकते होंगे इसमें आपकी जो भी DOB रही है वो आप इसमें DOB अपनी फिल कर देंगे। आपकी जो भी DOB रही दोस्तों वो आप अपनी DOB इसमें फिल कर देंगे। फाइनली दोस्तों, आपकी जो भी DOB रही वो अपनी DOB इसमें फिल कर देना है। फाइनली दोस्तों, ये देखो मैंने अपनी DOB फिल कर दी, हमें क्या करना है, फिल करने के बाद हमें क्या करना होगा, उसके नीचे फिर आ जाएगा हमारा कैप्चा, यानी हमारे 15/8/1998 थी जो मैंने फिल कर दी। आप देख सकते हैं, आप ऐसे चाहें तो आप बैग में फिल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी
ये देखो हम आपको एकदम राइट साइड से आपको हम क्लियर किए दिखाए देंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखो मैंने अपनी DOB फिल कर दी 15/8/1998, ये मेरी बिल्कुल क्लियर DOB होगी, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा कैप्स कोड रखा है इसी कैप्स कोड उठा के नीचे वाले इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, इंटर कैप्स कोड दो देखा इसी में हम फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं फिल किया दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये देखो आप देख सकते हो मैंने कैप्चा भी फिल कर रखी है। अब हमें क्या करना होगा, देख लिया मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, अब हमें सबमिट पर क्लिक करना है, जो हमारा सबमिट दे रखा है ब्लू कलर पे नीचे, जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे फाइनली दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। इस तरह आप मात्र एक मिनट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है, और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे क्लिक करते आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह मात्र एक मिनट के अंदर आप अपना एडमिट कार्ड घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर पाओगे। फाइनली दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया यूनिवर्सिटीज़ कोई भी लेटेस्ट जानकारी होती है सबसे पहले हमारे चैनल BB के नॉलेज पॉइंट प्रोवाइड करा जाती है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।